हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम कार्तिक बेहरा, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ मधुसूदन राय कटक। वेलकम टू द ट्रेड थियोरी क्लास ऑफ वेल्डर ट्रेड। फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स यू विल बी अटेंटिवली विथ मी ऑन ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। माय टॉपिक इज थर्मिट वेल्डिंग। दिस इज माय टॉपिक थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंगटा कौन, तुम ता पूर्व जाना पूर्व गोटे छोटिया इंटरेस्टिंग कथा मुझे कहबी। तो थर्मिट वेल्डिंग आम जाने तुमको कही वेल्डिंग आम गोटे मेन सोर्स है हिट। हिट निहत दरकार, मेन सोर्स वेल्डिंग मैंने विदाउट हिट वेल्डिंग कैन पॉसिबल। तुम जान भल कि तेणु वेल्डिंग हिट दरकार। तो से हिट आम कौटू पाऊ ना आम इलेक्ट्रिक पाऊचे बाय द सोर्स अफ इलेक्ट्रिक एंड बाय द सोर्स अफ गैस। तो आम यहाँ सब जानते। तुम गोटे छोटिया इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तुम जानते हो गए हिरण्यकशिपु राक्षस था सी गोटे बर पाई कौन ना उपरे मरवन तले मरवन जलरे मरवन स्थल मरवन भितर मरवन बाहर मरवन। तो एमती गोटे बर सी पाई जहाँ कि दिन में मरवन रात मरवन। तो यह गोटे बर पाई। तो आम जमी जानते वेल्डिंग डेफिनेसन पढ़ा जानी हाँ मैंने हिटा निहाती वेल्डिंग दरकार। तो एमती गोटे वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग एमती गोटे वेल्डिंग जहाँकि विदाउट गैस एंड विदाउट इलेक्ट्रिक द्वारा वेल्डिंग हो पार। तुम जो कह मैंने गैस आम यूज करवानी। तुम साधारण वेल्डिंग कर गैस यूज करके एंड इलेक्ट्रिक यूज करके। तो मुझे कहबी दे आम विदाउट गैस एंड विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आम वेल्डिंग करवा। तो बेस मैंने गोटे शुणा बेलू इंटरेस्टिंग निहत लगे इंटरेस्ट लगुवे किमी विदाउट गैस और विदाउट इलेक्ट्रिक आम कमी वेल्डिंग करवा। हाँ कि नहीं निहाती इंटरेस्टिंग लगुव जमी हिरण कशिपु गोटे बर पाई से मैंने अस्त्र मरवन शस्त्र मैंने बहुत मैंने डिफिकल्ट बर से पाई जहाँद्वारा कि से मरवाटा बहुत डिफिकल्ट। तो सेमती आम गोटे एमती वेल्डिंग आज पढ़ा जोटा कि विदाउट गैस और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आम वेल्डिंग करवा दुटा मेटा जोड़ पार। तो से विषय को स्टार्ट करा जाऊँ। फर्स्ट स्लाइड देख थर्मिट वेल्डिंग 1896 साइंटिस्ट हांस गोल्डस्मिथ डिस्कवर करते। तो 1896 मसीह आमर गोल्डस्मिथ हांस गोल्डस्मिथ आविष्कार करते जो डिस्कवर करते जो थर्मिट वेल्डिंग को। तो ये थर्मिट वेल्डिंग कौन हुए ना गोटे मिक्सचर थाए थर्मिट मिक्सचर गोटे थाए कोल्ड थर्मिट मिक्सचर एवं गोटे आमर डिवाइडेड आलुमिनियम कुड भी एजेंट मैंने आलुमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट गोटे यूज हुए थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग केमी हुए ना गोटे थर्मिट मिक्सचर गोटे थाए थर्मिट मिक्सचर। थर्मिट मिक्सचर कौन हुए ना गोटे थाए आम कोल्ड मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड गोटे थाए मेटल ऑक्साइड गोटे थाए कौन मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट गोटे थाए रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ताले थर्मिट मिक्सचर कहले ना गोटे मेटल ऑक्साइड एवं रिड्यूसिंग एजेंट मिसिके थाए। तो ये थर्मिट मिक्सचर साहाज्य आम कौन करूँ ना गोटे थर्मिट मिक्सचर आम जस्ट बर्न करदेबा एवं से बर्न हेले गोटे केमिकल रिएक्शन हम ताकि गोटे कौन हम केमिकल रिएक्शन हम। तो से रिएक्शन द्वारा आम हिट जेनेट हम। तो यहाँ है थर्मिट वेल्डिंग आपको कहते मतलब थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेस। तुम देखिए ये गोटे लिखा है वार्ड थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेस। तो यहाँ जेहेतु गोटे केमिकल रिएक्शन द्वारा होती कहते थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये जो कहे आम मेटल ऑक्साइड गोटे नौते गोटे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंटा किए ना आलुमिनियम किए आलुमिनियम ये जो रिड्यूसिंग एजेंट आम गोटे रिड्यूसिंग एजेंट बा ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट कहते कहते आलुमिनियम। तो से रिड्यूसिंग एजेंट आम ना आलुमिनियम या द्वारा कौन करें आम ना गोटे स्पॉट गोटे जगह हिं आम खाली इग्नाइट करदे। तो तापर से वेल्डिंगटा हो चल एटा आमर ना गैस ना इलेक्ट्रिसिटी किछि दरकार नै। नेक्स्ट एरा प्रिंसिपल। तो ए जो थर्मिट वेल्डिंग रा प्रिंसिपल कोन ना से कहूछि ना मु जो कहिल त गोटे मेटल ऑक्साइड जो कहली यारा प्रिंसिपल हला कोन ना गोटे आयरन ऑक्साइड नोचे आयरन ऑक्साइड जोटा मु कहली मेटल ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम आलुमिनियम त
जो आयरन ऑक्साइड और आलुमिनियम मिसिकी थिले हमें कौन कहे ना थर्मिट मिक्सचर मुझे कही सारी जिते बड़े थर्मिट मिक्सचर मीनस कौन ना द कंपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड आलुमिनियम दीटा कंबाइन होते कह थर्मिट मिक्सचर तो थर्मिट मिक्सचर आयरन ऑक्साइड आउ प्लस आलुमिनियम मिसिकी थर्मिट मिक्सचर तो यही दुटा कौन हम फर्स्ट तुम ये दुटा केमिकल रिएक्शन मैं सी आगे एक्चुअली थर्मिट मिक्सचर मिसिकी थे ये कौन हम ना ये गोटे मैंने एक्चुअली फाउंड्री सेक्शन तुम जानी गोटे तुम देखी थो मूर्ति कारीगर मूर्ति केमी गोटे छाँच उपर भेतर रखीदेक सी तार मटिक देदेले पूरा मुह सेफ आसी जाए सब सेफ आसी जाए तार हाथ गोड़ सब सेफ पलि आसे तो यहाँ गोटे फाउंड्री फाउंड्री मीन से कौन जमें जो कौन गोटे छाँच बा गोटे सेफ मैंने गोटे जो नौ पैटर्न तो गोटे छाँच भाया गोटे कम गोटे फाउंड्री वर्क एक्चुअली फाउंड्री वर्क तो ये कौन हम ना गोटे छाँच भितर आम मेटाल अक्सन मैंने आम जो दुटा मेटाल जॉइंट करवा से थी छाँच भितर गोटे मेटाल सैंड वोल्ड पैटर्न आम या एवं ता भितर यही जो दुटा आम आयरन ऑक्साइड और आलुमिनियम थर्मिट मिक्सचर को कौन कर इग्नाइट करके मेल्ट करके पोर करा कि वेल्डिंग हम तो ये कौन हो आयरन ऑक्साइड यार प्रिंसिपल कौन ना आयरन ऑक्साइड एवं आलुमिनियम भितर गोटे केमिकल रिएक्शन हम कौन हम ना गोटे केमिकल रिएक्शन हम जो रिएक्शन द्वारा कौन हम ना हीट जेनेट हम कौन हम हीट जेनेट हम के अप्रोक्सीमेटली 3088 डिग्री सेल्सियस पर्यटन हिट जेनेट हुए सर कथ कथ तो जो 3088 डिग्री पर्यटन आम हिट जेनेट हो तुम भाव कौन सबुत हिट आम कम लगुच ना तुम्हें देख आम हाथ को हाथ घसिले जैसे हिट आसूँ आम आखिकी मैं मैंने मैं नहीं मार्चन जिते कौन से हिट आसूँ ना कि रिड्यूस हो जा तार जो मैंने से भितर रोचे हिट जेनेट है तो सी आस्ते आस्ते रेडिएंट बा रेडिएशन होगी हिट मैं तुम रिड्यूस हो जाए हिट आक्चुअल के 25380 डिग्री सेल्सियस हो जाए 25380 डिग्री सेल्सियस जिते बे आयरन ऑक्साइड और आलुमिनियम भितर तुम कौन हो ना गोटे केमिकल रिएक्शन होपर पर गोटे हिट आम जेनेट होते ना अप्रोक्सीमेटली 3088 डिग्री सेल्सियस तो एतिक हिट होगा सी तो आम जीत हिट हम सब तो कम लगे ना कि रिड्यूस हो जाए कि रेडिएंट हो जाए तो तापर जीत हिट रोचे ना के 25380 मात 2538 डिग्री सेल्सियस पर्यटन हिट रोचे और से हिटा वेल्डिंग करने को हेल्प करुच्छे नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन होन होमें ना गोटे आयरन ऑक्साइड कौन नहीं आयरन ऑक्साइड ये आयरन ऑक्साइड रे कौन अच्छी ना आयरन प्लस ऑक्साइड मैंने ऑक्सीजन क्लियर तो ऑक्साइडा केमी हो कि ऑक्सीजन संस्पर्श आसिक ना तो आयरन ऑक्साइड सहित ऑक्सीजनटा अच्छी ओ टू अच्छी एटा आलुमिनियम अच्छी आलुमिनियम तो यही ओ टूटा कौन हुए जो मेल्ट हुए जो इग्नाइट हुए तो ये आलुमिनियमटा ऑक्सीजन सहित गोटे केमिकल रिएक्शन है कौन हो जाए ना आलुमिनियम ऑक्साइड आलुमिनियम ऑक्साइड तो ये आलुमिनियम ऑक्साइड हो गला तो ये आलुमिनियम ऑक्साइडटा कौन हुए ना आम जो क्रिसिबल जो टैंक गोटे छोटिया टैंक थाए क्रिसिबल से क्रिसिबल भितर तुम थर्मिट मिक्सरटा इग्नाइट है तो आलुमिनियम कौन कर ना ऑक्साइड ऑक्सीजन सहित मिसिक केमिकल रिएक्शन करके कौन हो कंबाइन नहीं कि आलुमिनियम ऑक्साइड हो तो आलुमिनियम ऑक्साइडटा उपर भाषा से थर्मिट मिक्सर उपर भाषा तम मैंने तले कौन रहीगला मोल्टेन मेटाल केवल आयरन मोल्टेन मैंने आयरन टा केवल मेल्ट अवस्था रहीगला और भितर को आसिक वेल्डिंग करें साय कर तो पोर करदे ना तापर आउ गोटे कथा कहला तापर यार एफिसीयसी कही फर मैक्सिमम एफिशिएंसी तो मैग्नेटाइट थर्मिट मिक्सर सुड बी कंटेंट 23.7% आलुमिनियम एंड 70 हाँ आउ गोटे कथा है तो ये अप्रोक्सीमेटली जो कहली जो भल गोटे भल एफिशिएंट वेल्डिंग करने तो 23% कहला से 23.7% तुम रोच आलुमिनियम एंड 76.3% है आयरन ऑक्साइड तो ये तुम परीक्षा जो कभी क्वेश्चन आसे जे आयरन ऑक्साइड एंड आलुमिनियम मान रेसीो के ना आयरन ऑक्साइड इज टू कह जो आलुमिनियम आलुमिनियम तो यार रेसीोटा के 3:1 मन रखी था परीक्षा आसे क्वेश्चन ये गुटाक जो आयरन ऑक्साइड और आलुमिनियम रेसीो है 3:1 जदि ये तीन भाग रोचे आम कहला 76 प्राय तीन भाग तो जिते ये तीन भाग रोच ये गोटे भाग यार रेसीोटा है यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आसे परीक्षा तो तुम आयरन ऑक्साइड और आलुमिनियम तार मानते रेसीोटा के 3:1 नेक्स्ट आम आसवा
ये है तुम कौन एटा हाँ गोटे गोटे पैटर्न भितर हुए मुझे सारे अलरेडी एटा गोटे पैटर्न भितर हुए। नेक्स्ट आम देखिए थर्मिट मिक्सचर कौन मुझे अलरेडी थर्मिट मिक्सचर है कमनली यूज फॉर वेल्डिंग फॉर फेरस मेटल। तो ये जो थर्मिट मिक्सचर मुझे अच्छी तुमको देखेली गोटे गोटे देख गोटे प्लेन थर्मिट आउ गोटे माइल्ड स्टील थर्मिट आउ गोटे थर्मिट फॉर वेल्डिंग रेल्स। तो यही गुड़ाक सब कौन ना थर्मिट मिक्सचर। व्हाट इज थर्मिट मिक्सचर मुझे अलरेडी कही सारे जो थर्मिट मिक्सचर कहले तुम जो आयरन अक्साइड प्लस आमर आलुमिनियम थी रिड्यूसिंग एजेंट है आलुमिनियम। तो आलुमिनियम आयरन अक्साइड जो थे आम कह थर्मिट मिक्सचर। तो किसी थर्मिट मिक्सचर से आम किसी अलग किसी आड कर किसी आड कर कौन देख फास्ट है प्लेन थर्मिट। जो प्लेन थर्मिट कहले कौन ना मिक्सचर अफ आयरन अक्साइड एंड फाइनली डिवाइडेड आलुमिनियम। ये प्लेन थर्मिट मीनस ओनली आयरन अक्साइड एंड आलुमिनियम जैसे मिक्सिंग होती है आम थर्मिट मिक्सचर प्लेन थर्मिट मिक्सचर। तो यहाँ ये प्रड्यूस हाइस्ट टेम्परेचर मन रखी था जो थर्मिट मिक्सचर तीन प्रकार मुझे कहल गोटे प्लेन थर्मिट मिक्सचर माइल्ड स्टील थर्मिट मिक्सचर आउट है थर्मिट मिक्सचर फर रेल थर्मिट फर रेल। तो आपको भितर सबुठ अधिक हिट किए जेनेट कर अधिक टेम्परेचर कह रहा प्लेन थर्मिट्र बुझी जेहेतु प्लेन थर्मिट्रे कौन आम अलग किसी ना से केवल प्लेन थर्मिट्रे केवल आयरन अक्साइड एंड आलुमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आसा माइल्ड स्टील थर्मिट। माइल्ड स्टील थर्मिट कहले ना प्लेन थर्मिट आम कौन जानले आम ना आयरन अक्साइड एंड आलुमिनियम जिते बेले प्लेन थर्मिट्रे गोटे कथा मुझे जो लिखिली ना जो माइल्ड स्टील थर्मिट कहले एमएस थर्मिट। तो एमएस थर्मिट्रे कौन ना आम प्लेन थर्मिट प्लस तो आम एर कौन करूँ आउ कि रिड्यूस तार माइल्ड स्टील पंचिंग इन इनक्रीज टू प्रोडक्ट। तो आडिशन आम माइल्ड स्टील किसी आड करदेव एथर कौन आड करूँ कार्बन मान माइल्ड स्टील सहित कार्बन आंड मैंगानीज कौन एमएस आड करूँ बा आम तो आयरन अक्साइड थी से एमएस तो प्लस कार्बन आंड मैंगानीज कार्बन प्लस मैंगानीज। तो यही तीन टा जिनस मैंने एमएस कही से कहला लिखिदेगी पूरा ये प्लेन थर्मिट विथ एडिशन ऑफ माइल्ड स्टील तेल माइल्ड स्टीलटा आम आड कर प्लस तासत आम कौन कर मांगानीज एंड कार्बन आड करते बेले आम देखिले ना प्लेन थर्मिट सहित आम किसी एमएस माइल्ड स्टील एंड कार्बन एंड मांगानीज आड कर माइल्ड स्टील थर्मिट। इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील ओके। देन थर्मिट फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल्स रेल्स कहे तुम देखी दो जो थर्मिट वेल्डिंग एक्चुअली तुम आखिरे के देखी नथिव तो सेमि तुम ट्रेन में यात्रा कर ट्रेन में जाऊ देखी ट्रेन लाइन उपर कि लोक दु चार जन ठिया होते गोटे पूरा हटात कि चूली भाला जल पूरा हटात निया बाहर जोर से चार कर ठिया होते पाखापाखी ठिया होते पूरा पाखे ना। तो तुम भाव से ट्रेन लाइन उपर कौन हो मन क्वेश्चन आसो कि वेल्डिंगटा है थर्मिट वेल्डिंग। तो रेल एक्चुअली थर्मिट वेल्डिंगटा बेस्ट पपुलार फर रेल वेल्डिंग रेल लाइन मैंने दुटा जॉइंट करने थर्मिट वेल्डिंग बेस्ट पपुलार बेसिक पपुलार है। तो प्लेन थर्मिट ये कहला थर्मिट वेल्डिंग फॉर रेल्स जदि आम प्लेन थर्मिट्रे आम कौन करना कार्बन एंड मैंगानीज ओनली आम कौन कहले एमएस कार्बन एंड मैंगानीज आड कले कि रेल पाई जो यूज कर रेल वेल्डिंग ये कौन कर केवल कार्बन एंड मैंगानीज एमएन खाली लिखिदे क्लीयर कार्बन एंड मांगानीज जिते आम यूज करवल प्लेन कार्बन प्लेन थर्मिट्रे आम कह रेल वेल्डिंग थर्मिट बा थर्मिट फॉर रेल वेल्डिंग वेल्डिंग ऑफ रेल्स क्लियर। नेक्स्ट आसला आमर देखा वेरियस प्रोसेस मेथड्स ऑफ थर्मिट वेल्डिंग माने केते प्रकार थर्मिट वेल्डिंग अच्छी एक्चुअली थर्मिट वेल्डिंग दि प्रकार टाइप्स थर्मिट वेल्डिंग आम दि प्रकार अच्छी टाइप्स है टू टाइप्स गोटे फ्यूजन वेल्डिंग आउट है प्लास्टिक वेल्डिंग फ्यूजन आउट है प्लास्टिक। अच्छा फ्यूजन कौन ना देखो क्लियर की लिखी देती ना द थर्मिट मिक्सर में फ्यूज मेटल पीस एंड एक्ट एज फिलर मेटल। तो ये फ्यूजन वेल्डिंग कहले आम जानते दुटा मेटल जॉइंट हम क्लियर। तो जितने दुटा मेटल तुम जॉइंट हो दुटा मेटल जॉइंट होगा दुटा फ्यूजन होगा पड़ो तेणुक फ्यूजन थर्मिट कहले ये कौन हो ना थर्मिट वेल्डिंग में दुटा मेटाल पीस को से थर्मिट मिक्सरटा निजे मेल्ट करो जॉइंट कर गोटे फिलर मेटल मैंने फिलर मेटाल आक्ट करुच्छी
ତାର ଗୋଟେ ଫିଲର ମେଟାଲ ଯାହା କରେ ସେଇଆ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ଟ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଥର୍ମେଟ ମିକ୍ସର ବା ତମର କହିଲେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଟ୍ ମେ ହିଟ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଆର୍ ଫୋର୍ସ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଟୁଗେଦର ଟୁ ବେଣ୍ଡ। ସେ କହୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କ'ଣ ନା, କେବଳ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଇଟା ମେଟାଲକୁ ହିଟ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତାମାନେ ଏତେ ଦୁଇଟା ମେଟାଲ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେବ ଏଠି ମେଲ୍ଟ ହେବ, ଏଠି ମେଲ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିଯିବା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଥର୍ମିଟ ୱେଲ୍ଡିଂ। କ'ଣ ହୁଏ ଥର୍ମିଟ ୱେଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରୁ ଆମେ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲିନ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ଆଲାଉ ଫର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଜଏଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ମେଟାଲ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ମୁଁ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋଲ୍ ପାଟର୍ନ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋଲ୍ ପାଟର୍ନ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ତିଆରି ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ମେଟାଲ ଆମକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ମେଟାଲ କେମିତି ରଖିଦେବା। କ୍ଲିଅର? ତ ଆ ଭିତରେ ୱାକ୍ସ ଆମେ ପୁରେଇଦେବା, ମହମ ମହମ ପୁରେଇଦେଲେ ତ ତାପରେ ଏସବୁ ବାଲି ଆମେ ଦେଇଦେବା ତାକୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋରିଂ ଗେଟ୍ ରଖିଦେବା ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ। କ୍ଲିଅର କି ଦେଖ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଚିତ୍ର ତମର ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ସେଥିରେ ଭଲ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଠି ପୋରିଂ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋରିଂ ଗେଟ୍, ପୋରିଂ ଗେଟ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଇକି ମୋଲ୍ଟେନ୍ ମେଟାଲ ଆସିବ, ଆସିଲେ ଏହା ଭିତରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଗ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋଲ୍ଟ ମାନେ ମୋଲ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ବା ପାଟର୍ନ ତିଆରି ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବା, ତାପରେ ଜଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ମୋତେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ତା ଫେସ୍ ଦୁଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ତାକୁ 1.5 mm ଟୁ ବା ଆମର ପ୍ରାୟ 6 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବା, ଏ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଦ ସ୍ରିଙ୍କେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେସ୍ ମେଟାଲ ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ହିଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱେଲ୍ଡିଂ ଅପରେସନ୍। ତ ୱେଲ୍ଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରେ ବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ କରିବା, ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ନୋଜେଲ ନେଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ନେଇକି ତାକୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତି। ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଲେଖିବି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର କ'ଣ କରି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ମାନେ କେମିତି କରିବ। ତାପରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦ ମୋଲ୍ଡ, ଆଗ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଗ ମୋଲ୍ଡ ତିଆରି କରିବ, ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଖ ୱାକ୍ସ ପାଟର୍ନ ଭିତରେ ଦେବ, ୱାକ୍ସ ମାନେ ମହମ ଦେବ, ମହମ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ମହମ ଦେଲ ଦେଖ ଏଇଠି କେମିତି ସେ ତିଆରି କରିଛି। କ୍ଲିଅର କି? ଦେଖ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅ, ମୋଲ୍ଡ ୱାକ୍ସ ଭିତରେ ମୋଲ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦୁଇଟା ମେଟାଲ ଦେଖ ଏଇଠି ଭଲକରି, ଦୁଇଟା ମେଟାଲ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଦେଖ 1.5 to 6 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଲା। ତାପରେ ଏଠି ମୋଲ୍ଡ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ପୋରିଂ ଗେଟ୍, ଏଇଠି ଆମ ଥର୍ମେଟ ମିକ୍ସର ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା କହନ୍ତି କ୍ରିସିବଲ, ଲେଖାଇନି କ୍ରିସିବଲ। ତ ଆ ଭିତରେ ଥର୍ମେଟ ମିକ୍ସର ଅଛି, ଇଏ କେମିକାଲି ରିଆକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ଉପର ରହିଯାଉଛି, ତ ତା ତଳେ ରହିଲା ଖାଲି ମୋଲ୍ଟେନ୍ ମେଟାଲ ଆମର ଆଇରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଇଏ ଆସିକି ଏଠି ପୋରିଂ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଗେଟ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ମେଟାଲ ଭିତରେ, ଏଠି ୱାକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ହିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ହିଟ୍ କରିକି ସେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଆସିକି ଟୋଟାଲ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରି ହିଟିଂ କେମିତି କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରି ହିଟ୍ କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା, ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ନା, ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଏଇଠି ଯେ ଦୁଇଟା ମେଟାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ୱାକ୍ସ ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ଦେଉଛୁ ୱାକ୍ସ, ୱାକ୍ସ ମାନେ ମହମ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହମଟା ହିଟ୍ କଲେ କ'ଣ ତଳେ ଯିବ, ତ ସେଇ ମହମକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ହିଟ୍ କରିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୋଜେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଟ୍ କରାଯାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ନୋଜେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଟ୍ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଫ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଟ୍ କଲେ କ'ଣ ନା ୱାକ୍ସରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ୱାକ୍ସ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ସେଇଟା ଜାଗାଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ମୋଲ୍ଟେନ୍ ମେଟାଲ ଏଠି ପୁରେଇକି ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ କରିବ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଲିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋଲ୍ଡଟା ତିଆରି, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋଲ୍ଡ କହିଲେ ବାଲିରେ ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ତ ସେ ଯେଉଁ ବାଲିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବାଲି ଭିତରେ ତମର ବହୁତ ଥିବ ମାନେ ମଶ୍ଚର ଥାଇପାରେ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ କଲେ ମଶ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆବଜର୍ଭ ବା ଟୋଟାଲ ଆବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ସେଇ ମଶ୍ଚର ରହିବନି, ମଶ୍ଚର ରହିଲେ ସିନା ଡିଫେକ୍ଟ ହେବ, ମଶ୍ଚର ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦ କ୍ରିସବେଲ, ସେ କହିଲା ଚାର୍ଜିଂ ଦ କ୍ରିସବେଲ କହିଲେ କ୍ରିସବେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ କହିଲି ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ତା ଭିତରେ ତମର ଯେଉଁ ଥର୍ମେଟ ମିକ୍ସରରୁ କେମିତି ଚାର୍ଜ ରଖିବ ସବୁ ରଖିଲ, ତାପରେ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କରିବ। ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ଯେଉଁ ପାଉଡର ନେଉ, ତା କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାଉଡର ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରିବନ, ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କେମିତି କରିବା, ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କେମିତି କରିବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରିବନ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେ ଥର୍ମେଟ ମିକ୍ସର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରିବନ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କରିବା, ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କଲେ ତା ଭିତରେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହେବ ଏବଂ ରିଆକ୍ସନ ହେଇକି ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ରହିଯିବ, ତଳେ କେବଳ ମୋଲ୍ଟେନ୍ ମେଟାଲ ରହିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଓପନିଂ ଦ ମୋଲ୍ଡ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋଲ୍ଡ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତା ମୋଲ୍ଡର ଉପର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଛି ଚିତ୍ରଟା କରିଥିଲି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିଥିଲି ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା ଓପନ୍ କରିଦେବାଟା, ତା ଇଏଟା ଓପନ୍ କରିଦେବ, ଓପନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ଆମେ କରିଦେଲେ ବା ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କଲେ ଥର୍ମେଟ ମିକ୍ସରକୁ, ସେ ମେଟାଲ ଆସିକି ଏଠି ପୁଅର ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ଚିତ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ଫିନିକ୍ସ ଦ ୱେଲ୍ଡ, ୱେଲ୍ଡିଂ ଫିନିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ 2 to 4 hours ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକିରି କି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ତମେ ଟୋଟାଲ ତା ମୋଲ୍ ବକ୍ସକୁ ଖୋଲିବ, ଖୋଲିଲା ପରେ ତମର ଅଲରେଡ଼ି ୱେଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ସ୍ମଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ତମକୁ ଦେଖାଉଛି,
देख केमी कौन वेल्डिंग भिडियोटा देखीद Thermit welding. The working of thermit welding is shown. Construct the mold. The molding box is then placed around the portion to be welded. The mold should be provided with the necessary number of pouring gates, heating gates, and riser depending on the size of the weld. Preheating the mold. Melt away and remove the wax, thereby leaving a mold cavity in exact shape of the weld. For removing pores in weld. Charging the crucible. तो ये ला तुम्हारो वीडियो टा कंप्लीटली नेक्स्ट देखियो हमें इक्विपमेंट कौन यूज होगी देखो मॉडल तुमको से इक्विपमेंट वाला कोई सेल नहीं देखो गोटे इक्विपमेंट वैक्स कोटेड सियान मोल्ड पैटर्न क्रिसिबल जोटा आम थर्मेट मिक्सर स्टोर होकर रोक क्लैंपिंग लॉक एंड नट जोटा आम मोल्ड बॉक्सटा नट बोल्ट आम क्लैंपिंग करवा कलेक्टिव वेसल तले जो आम स्लैग रहा मतलब कलेक्ट करने वेसल अच्छी फ्लेम हीटिंग टॉर्च फ्लेम हीटिंग वैक्सटा को टोटाल वैनिश करने फ्लेम यूज करूँ वैक्स कोटेड सियान मोल्ड पैटर्न गोटे पैटर्न ले हम ये तरह इक्विपमेंट नेक्स्ट आसीजे आम यार एडवांटेजेस एडवांटेजेस कहले कौन ना इट इज वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस यहाँ बहुत सिंपल एंड इजी प्रोसेस कहीं ना देख ए किसी बेसी किसी मैंने केवल आम सैंड मोल्ड ने पैटर्न तैयारी करदे चार्जिंग करी थर्मेट मिक्सर को वेल्डिंग कले सिंपल आउ गोटे कौन है लो सेटअप कॉस्ट ये बेसी कॉस्ट पड़े नहीं बेसी कॉस्ट पड़े नहीं आउ गोटे कौन ना हेवी क्रॉस सेक्शन कैन सैटिस्फैक्टरी भी वेल्डेड अधिक क्रॉस सेक्शन थिबा मेटल माने बहुत भल भाव वेल्डिंग पारे आउ गोटे हीट कम्स फ्रॉम केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो नो पावर सप्लाई हाँ आउ गोटे मेन इंपोर्टेंट एडवांटेज यार कहे ना ये पावर सप्लाई दरकार ना कि गैस गैस दरकार जस्ट कमान मैंने फ्लेम देने हम ना फ्लेम नदे भी चलो तेणुक ये मैंने पावर आम जान लें जो रेल लाइन जो जाए सब इलेक्ट्रिक कनेक्शन अच्छी तो सीटी आम वेल्डिंग करने कौन करवा पावर दरकार ना ना ये पावर दरकार ना तेणुक बहुत बढ़िया आउ गए लिमिटेसन लिमिटेसन तर दीटा डिसएडभांटेज जो कहें ना कौन ना आप्लिकेबल ओनली टू फेरस मेटल पार्ट्स हेवी सेक्शन दैट इज मिल हाउसिंग एंड हेवी रेल सेक्शन यहाँ केवल आप्लिकेबल हेवी क्रॉस सेक्शन एरिया जोटा हेवी थी बहुत थिकनेस अधिक थोड़ा केवल आप्लिकेबल एंड इकोनोमिकल ये अप्लाइड फॉर थिन सेक्शन माने ये अन इकोनोमिकल छोट पतला मेटल को वेल्डिंग करते असंभव बुझे कि नहींपर आम देखिए आप्लिकेसन देख आप्लिकेसन कहले ना यूटी फर रिपेयरिंग फर फ्रैक्चर रेल ट्रैक तो रेल ट्रैक जो फ्रैक्चर फाटी जाइए रिपेयरिंग करने यूज हुए नेक्स्ट फर वेल्डिंग अफ कास्टिंग वेयर साइज प्रिवेंट द बेयरिंग कास्ट तुम बिंग कास्ट इन वन पीस गोटे वन पीस जब आम वेल्डिंग कर क्राक होती है जॉइंट करने थर्मेट वेल्डिंग यूज करूँ फर वेल्डिंग अफ न्यू नेक्स्ट रोलिंग मिल्स रोल्स एंड पिनियंस फर वेल्डिंग अफ केबुल अफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स तो केबुल अफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आम वेल्डिंग करने यूज करूँ आउ गोटे फर वेल्डिंग अफ लार्ज फ्रैक्चर्ड क्रैंकशाफ्ट गाड़ी जो क्रैंकशाफ्ट अच्छी से फाटी जाइए तो बड़ बड़ क्रैंकशाफ्ट ताको आम वेल्डिंग करने थर्मेट विषय यूज करूँ बा थर्मेट वेल्डिंग यूज करूँ तो एतिक आमर आम आज पढ़ले थर्मेट वेल्डिंग विषय में तार आप्लिकेसन कौन तार एडवांटेजेस कौन तार लिमिटेसन कौन तो मुझे भावुची एटा गोटे जेहतु वन वे कम्युनिकेसन तुम किसी भी डाउट थी पे तो जदि किसी भी डाउट होती मो ह्वाट्सअप नंबर स्क्रीन अच्छी टीपी नहीं मत मेसेज करपर थैंक यू। झीटे तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवन मूल कथाटी से आगकू गले आगक जीव संसार आम झील मैंने पुओं ठू पछरे एवं तो बदली गला समय बदली गला जुग से झील मानू आहरी आगक नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने को सरकार सुदक्षा योजन सरकारी आईटीआई मध्यम संपूर्ण मगणारे जोगे देखते सब प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञानकौशल तालीम एबे आमो झियो रहिबे सबुठु आगरे सबुठु उपरे मु सफल मु कुशल मु सुदक्षा आमे सुदक्षा।